हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडीयू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैर्सी दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से दोस्तों एक नई अपडेट आई है। डिस्टेंस के जो भी कोर्स थे दोस्तों, जैसे बी ए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, बी कॉम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, जितने भी डिस्टेंस के दोस्तों कोर्स है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन हो रहे थे, और एडमिशन की जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो 15 अप्रैल थी। 2000 रुपये लेट फीस के साथ 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है, लास्ट डेट अब 8 मई कर दी गई है। 8 मई 2021 कर दी गई है लास्ट डेट अब एडमिशन की। डिस्टेंस के जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट हैं, उनके एडमिशन की लास्ट डेट 8 मई कर दी गई है। 8 मई तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेट फीस क्या रहेगी दोस्तों, 2500 रुपये फीस रहेगी आपकी लेट फीस रहेगी। पहले 2000 रुपये लेट फीस थी, अब 2500 रुपये फीस आपकी लेट फीस लगेगी। जो आपकी कोर्स की फ़ीस होती है दोस्तों वो तो लगेगी लगेगी, साथ में आपको 2500 रुपये फीस लेट फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 2500 रुपये पहले या 2000 रुपये लेट फीस थी 15 तारीख तक, अब 8 मई तक 2500 रुपये फीस कर दी गई। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर 8 मई कर दी गई है, कौन कौन से वो कोर्स रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, एडमिशन के सेक्शन में हम आ चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स की लास्ट डेट 8 मई कर दी गई है। बीकॉम सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी लास्ट डेट 8 मई कर दी गई है। पहले यह 15 अप्रैल थी, अब 2500 रुपये लेट फीस के साथ 8 मई कर दी गई लास्ट डेट। 22 अप्रैल से फार्म भरने स्टार्ट हुए थे एडमिशन के। ठीक है दोस्तों, बीकॉम जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी भी 8 मई कर दी गई है। उसके बाद बीए सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी भी 8 मई कर दी गई है। बीए फाइनल ईयर वालों के भी 8 मई कर दी गई है एडमिशन की लास्ट डेट। उसके बाद देख लेते हैं जो बीए के जो फ्रेश जो स्टूडेंट है, डीडी स्टूडेंट है दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी, उनकी एडमिशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, 30 अप्रैल तक वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। और देख लेते हैं कौन से कोर्स की लास्ट डेट 8 मई कर दी गई है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के जो बच्चे उनकी भी 8 मई कर दी गई है। एमए संस्कृत एनुअल सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी भी 8 मई कर दी गई है। एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के जो बच्चे उनकी भी 8 मई। एमए इकोनॉमिक्स एनुअल सेकेंड ईयर उनकी भी 8 मई लास्ट डेट कर दी गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद हम अगले कोर्स देख लेते हैं, अगले कौन से कोर्स रहेंगे उनकी लास्ट डेट क्या है। एमएससी मैथमेटिक्स एनुअल सेकेंड ईयर के जो बच्चे उनकी भी 8 मई लास्ट डेट कर दी गई है। जो बीच में जो 30 अप्रैल लास्ट डेट दिखा रहे हैं दोस्तों, वो जो भी फ्रेश जो एडमिशन हो रहे हैं जैसे एमए बीए बीकॉम वाले के, उनकी लास्ट डेट रहेगी फ्रेश वाले बच्चों की रहेगी 30 अप्रैल, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं उनकी लास्ट डेट रहेगी 8 मई। मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी 8 मई लास्ट डेट एडमिशन की। मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी सेकेंड ईयर 8 मई लास्ट डेट है। डिस्टेंस के जितने भी कोर्स दोस्तों उनकी एडमिशन लास्ट डेट इंटरमीडिएट स्टूडेंट की 8 मई कर दी गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर 8 मई लास्ट डेट है। उसके बाद अगले कोर्स देख लेते हैं कौन सी लास्ट डेट रहेगी किस कोर्स की। मास्टर ऑफ कॉमर्स सेकेंड ईयर 8 मई लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको कोर्स दिखाया है उन सभी कोर्स की 8 मई लास्ट डेट रहेगी, आप देख सकते हैं 8 मई लास्ट डेट रहेगी। बाकी जो भी जो फ्रेश बच्चों के जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी, और 8 मई वालों को 2500 रुपये लेट फीस के साथ एडमिशन होगा। ठीक है, तो कोर्स की जो फीस रहेगी वो तो लगेगी, साथ में 2500 रुपये फीस भी लगेगी। 8 मई लास्ट डेट कर दी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस साइट पर विजिट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्स की लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।